दोस्तों इस वीडियो में आपको बुलबुल बर्ड दिखाने वाला हूँ। ये देखिए दोनों लगभग रेडी टू फ्लाई है, यानी कि अब उड़ने वाला है। दो पीस है, आप देख सकते हैं, एक मेल एक फीमेल हो सकता है मेरे अंदाज से, या फिर दोनों फीमेल या दोनों मेल भी हो सकता है, क्योंकि इतना छोटा में इनको पता लगाना मुश्किल है। ये देखिए दो पीस निकला है, एक और अंडा है नीचे, लेकिन वो अनफर्टाइल है, मैं उसको हटाऊँगा नहीं, मैं आपको बिल्कुल वो दिखा दूँगा अभी, तो वीडियो पर बने रहें। ये देखिए थोड़ा सा क्लोज से ले चलता हूँ, अभी जो मैंने आपको दिखाया था नेस्ट में बैठे हुए थे बर्ड्स, धीरे धीरे ये ऊपर आ चुके हैं, यानी कि फ्लाई अप करेंगे कुछ ही देर में। और ये मैं वीडियो शाम को बना रहा हूँ, तब तक ये फ्लाई कर चुके हैं। उसके पहले के मैंने जो शाम तक वीडियो बनाया था वो मैं आपको दे रहा हूँ, उसके पहले का जो मोमेंट था वो सारा कुछ मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है, तो ये देखिए आप देख लीजिए। और जब मैं कैमरा सामने ले जाता हूँ तो फीमेल जो इसकी है वो यहाँ पर सामने आकर बैठ जाती है हमारे घर के ऊपर, ये भी आप देख सकते हैं। ये देखिए फीमेल है और ये उनके बच्चे हैं, दो बच्चे निकले थे, दो की दोनों ही बहुत ही हेल्दी हैं और वो बहुत ही अच्छे से फ्लाई वगैरह भी कर लेंगे। ये देखिए मैं आपको नीचे अंडा जो दिखाने की बात कर रहा था, यहाँ से निकालते हैं अंडा को, क्योंकि अनफर्टाइल अंडा है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं, आप हाथ में ले सकते हैं, यानी कि इसमें से बच्चे नहीं निकलने वाले हैं। तो चलिए निकाल के दिखाते हैं कि बुलबुल का जो अंडा होता है वो कैसा होता है और कितना दिन में ये बाहर निकलते हैं, ये भी मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दे देता हूँ। ये देखिए इस तरह का चितकबरा कलर का होता है अंडा, यानी कि छीट छीट ब्लैक कलर इस पर होता है, और इसमें ये अनफर्टाइल हो चुका है, क्योंकि ये एक बार में तीन तक अंडे ही देते हैं, मैक्सिमम तीन देते हैं, जिसमें से दो बॉडी ज़्यादातर निकलते हैं। ये देखिए जो बच्चा एक है इधर साइड बैठा हुआ है, ये हल्का फुल्का उड़ने लगा है और ये अपने नेस्ट से निकल के बाहर की तरफ बैठ गया है। ये देखिए अंडा को मैं दिखा रहा था, अंडा का साइज़ बहुत बड़ा नहीं होता, बहुत ही छोटा ही अंडा होता है। चलिए इसको जहाँ से मैं निकाला था वहीं रख देता हूँ, वैसे इसमें से बेबी नहीं निकलेगा मुझे कन्फर्म पता है, फिर भी रख देता हूँ, क्योंकि जो फीमेल है बुलबुल वो ज़रूर इसे खोजते खोजते आएगी, तो यहीं पे मैं रख देता हूँ जहाँ से मैंने निकाला था। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक दे दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं आप अगर तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये देखिए बच्चा, मैं आपको बुलबुल का जो बच्चा है वो दिखाने की कोशिश करता हूँ सामने से, थोड़ा सा फ्लैश लाइट ऑन कर लेंगे क्योंकि पेड़ों के बीच में है ये, तो थोड़ा अंधेरा जैसा आ गया है। ये देखिए फेदर्स वगैरह जो है पूरा अच्छा से निकल चुका है, पूंछ भी आप देख सकते हैं हल्का पूंछ भी निकल चुका है, यानी कि ये उड़ने के लिए पूरा तरह से तैयार है। इस पर ये फ्लाई भी करेगा, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। इसका फेस को मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा क्लोज से किस तरह का दिखता है। ये देखिए आइज़ वगैरह और चोंच वगैरह जो भी है, पंख वगैरह, उनका साइज़ बहुत बड़ा नहीं होता है, बहुत ही छोटे से होते हैं, लगभग 4 इंच के होंगे मैक्सिमम, बड़ा होने के बाद ये 6 इंच के, 6 इंच से थोड़ा कम ही होते हैं, 4 से 5 इंच तक के हो जाते हैं। ये बच्चा अभी लगभग 2 से 3 इंच का है, आप देख सकते हैं। इनको चाहे तो आप केज में रख सकते हैं, लेकिन बाहर अगर ये रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये इंडियन बर्ड है तो इनको आप बाहर ही उड़ने दें। ये देखिए सामने से मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, इस साइड से भी थोड़ा सा कैमरा को घुमा लेते हैं। ये देखिए इसका शेप और आकार आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार बच्चा है और बिल्कुल उड़ने के लिए तैयार है। जब ये उड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं तो अपने नेस्ट यानी कि जहाँ घोंसले में ये रहते हैं वहाँ से निकल कर थोड़ा सा बाहर आ जाते हैं, और ये उड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार है। चलिए मैं दिखाऊंगा कैसे कैसे फ्लाई किया मैंने, इसे फिर पकड़ के फिर इसे रखा था, क्योंकि ये बार बार नीचे की तरफ आ जाता है, वो भी मैं इस वीडियो में आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये बैठा हुआ था जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, यहाँ पर ये बैठा हुआ था क्योंकि उड़ के आया था, पीछे ये उड़ के चला गया था, फिर उड़ के यहाँ आया, फिर मैंने इसे थोड़ा टच भी किया, तब ये फिर से फ्लाई किया था, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो रिकॉर्ड मैंने कर लिया है। बुलबुल का ये बेबी है और रेड कलर होता है इनका चोंच के नीचे और पीछे बैक में। ये देखिए मैंने इसे जब टच किया तब ये फ्लाई कर गया था, थोड़ा सा जब मैं पीछे टच करूँगा तब ये फ्लाई करेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ वीडियो में, काफ़ी शानदार मोमेंट था। वैसे ये पूरा अच्छा से फ्लाई करने लग चुका है, काफ़ी हेल्दी बेबी है, कोई भी प्रॉब्लम इसको नहीं होगा और ये बहुत अच्छे से फ्लाई करेगा। ये देखिए यहाँ मैंने जब टच किया था तो ये फ्लाई करता हुआ किचन में आ चुका था। ये देखिए यहाँ पे पेपर पे लटक गया है, तो मैंने इसे फिर से पकड़ कर जहाँ से ये उड़ा था वहीं पे मैंने ले जाके वो जो घोंसला है उसमें मैंने रख दिया था। ये देखिए यहाँ से बाहर निकल कर सामने ये पेड़ है मेरे घर के अंदर, वहीं से ये बर्ड मैंने पकड़ा था, यानी कि मैंने आपको दिखाया था पहले भी वीडियो में। अब शाम का समय है, इसके बाद ये रात को फ्लाई कर चुका था मेरे वीडियो बनाने के बाद। ये देखिए चलिए जहाँ इसका घर है उसमें रख देते हैं यहाँ पर, क्योंकि मैं इसे कैद में नहीं रखना चाहता इसलिए मैं इसे बाहर रख रहा हूँ, क्योंकि इंडियन बर्ड है। ये देखिए मैंने वहाँ रख दिया है,
और इसको जब मैं टच करता हूँ तो फीमेल भी आ जाती है। फीमेल यानी फीमेल बर्ड जो बड़ा है वो काफ़ी साउंड करने लग जाता है। ये देखिए यहाँ आकर बैठ चुका है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।